हमारे पड़ोस में कैलाशचंद जांगिड़ी जो अपने आप को SDMPA बताते हैं, और उनने हमारे को आर्थिक और मानसिक हानि पहुँचा रखी है। और उन लोगों ने 3-4 दिन पहले हमारे, मैं फोटोग्राफी काम करता हूँ तो ऑर्डर पर था, तो रात को 10:30-11 बजे 3-4 लोगों को भेजा और उनसे हमारे घर में टूट फोड़ कराई। उसका मैंने फ़ोटो SP साहब को दिए और नजायज शिकायत करी उसके, और ये हमको नाजायज़ परेशान किया जा रहा है कि अपनी पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। रिश्वतखोरी का हमसे पहले तो बोला गया है कि 65 लाख रुपये मेरा मकान खरीद लो अन्यथा मैं तुम्हारा निर्माण काम नहीं करने दूँगा। उसके बावजूद हमने निगम की कार्रवाई पूरी करके नक्शा पास करा, गुरु के सब तैयार करा, फिर उनके पास गए, फिर भी हमने बोला वैसा हमारे निगम का नक्शा पास हो चुका है, स्वीकृत है। उसके बावजूद उसने मेरे से 2 लाख रुपए की डिमांड करी, अगर नहीं दिया है तो मैं निगम में, मेरी अप्रोच है SDM साहब का PO हूँ मैं, तुम कहीं भी चल जाओ तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आपको पेमेंट रकम देनी पड़ेगी। ये और कॉलोनी वालों ने पहले भी शिकायत करी है कि इनकी दुकान का भी अतिक्रमण कर रखा है, कैलाशचंद जांगिड़ के नाम से ही दुकान है, उनके बाहर हेडपम्प हटवाने के चक्कर में भी शिकायत हमने कलेक्टर साहब को भी की थी, SDM साहब को भी करी है, SP साहब को भी करी है, भरदे मैडम को भी करी थी। तानाजी नगर गली नंबर 19 के बाहर अंदर गली में मकान है और बाहर इनकी दुकान है जो कि अतिक्रमण में है बिल्कुल, और हमारे ऊपर अतिक्रमण का केस निगम से अतिक्रमण के लिए कार्रवाई की जा रही है, और अतिक्रमण निगम में हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन निगम वाले हमारे घर पर स्वीकृति होने के बावजूद आए दिन घर निर्माण कार्य रुकवा दिया जाता है। मैं तो ये जाऊँ मेरा मकान बन जाए कुल मिला के, मेरी फैमिली है, ये फैमिली के मेम्बर्स घर में मेन दरवाजा नहीं है, पिछले थोड़े दिन पहले घर का गेट नहीं होने की वजह से मेरे घर में चोरी हो चुकी है, पानी मोटर चुरा के ले जा चुके हैं, और आर्थिक कुछ भी हानि हो सकती है भविष्य में, मेरे साथ कुछ भी हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेरा नाम नितिन शर्मा। ये 5-6 जने थे, मुँह बांध रखा था सबने, रात को 10 बजे के बाद में आते, 10:30-11 बजे के आस में। मेरे बेटा बाहर फोटोग्राफी करता है, वो फोटोग्राफी करने गया हुआ था, घर में हम लेडीज ही थे जो आके सीधे ऊपर चले गए, मेन गेट लगा हुआ नहीं है हमारे, हमने मना किया तो वो पत्थर तोड़ के चले गए और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। खूब हाथापाई करने की कोशिश करी तो बोले कि हम सामान उठा के ले जाएंगे तुम्हारा, हमने बोला उठा के देखो हाथ पर तोड़ दूंगी मैं, मैंने बोला उसको, तो हमारे पत्थर सारे गिरा के चले गए। आज आप किससे मिलने आए? SP साहब से मिलने आई हूँ मैं, और हम नगर निगम में भी जाके आए, थाने में भी जाके आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका नाम? माया शर्मा जांगिड़।